नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। टीकाकरण का महाअभियान आज से प्रारंभ हुआ। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगह पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण कराने की बात लक्ष्य रखा गया था। जैसा कि माना यह जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प, उसके चलते रीवा में भी टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत पीके स्कूल से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। वहीं कलेक्टर रीवा टी इलैया राजा पूरे लगातार जिले में निगरानी करते रहे, तमाम वैक्सीन सेंटर में पहुंचे, लगातार लोगों पर टीकाकरण लगाने के लिए प्रेरित करते रहे। वहीं दूसरी ओर एसपी रीवा ने भी व्यापारियों के साथ मिलकर टीकाकरण करने के लिए अब लोगों को उत्साहित किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, कहा कि आप लोग टीकाकरण लगाइए, टीकाकरण करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे तो ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, शाम को 6 बजे तक जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको लेकर क्या स्थिति थी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, रीवा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 450 केंद्रों में कोविड-19 के टीके लगाए गए। रीवा जिले के लिए निर्धारित 30,000 लक्ष्य के विरुद्ध शाम 6 बजे तक 32,595 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए रीवा संभाग की, तो रीवा संभाग में 75,000 लक्ष्य के विरुद्ध 80,641 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। संभाग के रीवा जिले में 30,000 के विरुद्ध 32,095, सीधी जिले में 10,000 के विरुद्ध 10,599, सतना में 20,000 का टारगेट था 18,099, सिंगरौली में 15,000 का लक्ष्य था, वहां काफी उत्साह था लोगों में, वहां 19,868 लोगों को टीकाकरण कराया गया। माना जा सकता है जिस तरीके से यहां लोगों ने उत्साह से टीकाकरण अभियान में भाग लिया, उससे तीसरी लहर आने के पहले ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके होंगे।